अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब्ट्रैक्शन सीखने जा रहे हैं। अरेंज वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्ट। हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स दिए हैं उसको एक के नीचे एक लिखना है और फिर सॉल्व करना है। फर्स्ट वाला सम है 654 माइनस 200। पहला यूनिट का कॉलम सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 0 यानी 4, हमने कुछ भी माइनस नहीं किए। 5 माइनस 0, 5 में से कुछ भी नहीं निकाले तो 5 का 5। 6 माइनस 2, 2 के बाद 6 तक काउंट करेंगे, 3, 4, 5, 6, 4। नेक्स्ट वाला सम है 674 माइनस 242। अब यहाँ पर पहले यूनिट के कॉलम में हम लिखेंगे 4, टेंस में लिखेंगे 7 और हंड्रेड्स में लिखेंगे 6। उसके बाद यूनिट में 2, टेंस में 4 और हंड्रेड में 2, माइनस की साइन। अब यहाँ पर पहले कॉलम हम कौन सा सॉल्व करते हैं, पहले हम यूनिट का कॉलम सॉल्व करते हैं। और यूनिट के कॉलम में कौन है, यूनिट के कॉलम में 4 एंड 2। यानी क्या करना है, 4 में से 2 को निकाल देना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम 2 के बाद 4 आने तक काउंट करेंगे, 2 के बाद 3, 4, 2 आ गया आंसर, यहाँ 2 लिख दिए। फिर 7 माइनस 4, मतलब 7 में से 4 को निकाल देना है, टेक अवे करना है। सो हम क्या करते हैं, 4 के बाद 7 तक काउंट करेंगे, 4 के बाद 5, 6, 7, 3। 6 माइनस 2, 2 के बाद 6 आने तक काउंट करना है, वी हैव टू काउंट आफ्टर 2 टिल 6, 3, 4, 5, 6, 4। हमारा आंसर आया 432। नेक्स्ट सम है 772 माइनस 341। यूनिट के कॉलम में 2, टेंस में 7 और हंड्रेड्स में 7। उसके बाद यूनिट में 1, टेंस में 4 और हंड्रेड के प्लेस पर 3। पहला यूनिट का कॉलम सॉल्व करते हैं, उसके बाद टेंस का, उसके बाद हंड्रेड्स का। तो यूनिट में 2 माइनस 1, 2 में से 1 निकाल दिए, 1। 7 माइनस 4, 4 के बाद 7 तक काउंट करना है, 4 के बाद 5, 6, 7, 3। हंड्रेड्स में है 7 माइनस 3, 3 के बाद 7 तक काउंट करना है, 4, 5, 6, 7, 4। आंसर आ गया 431। यहाँ पर नेक्स्ट है 315 माइनस 517। बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो था पहले 600 बड़ा नंबर था, बाद में 200, 6, फिर ये 2, 7, 3, इस तरह से ये बिग और ये स्मॉल था। लेकिन यहाँ क्या हो गया है, पहले जो है स्मॉल नंबर है और बाद में बिग नंबर है। लेकिन हमको क्या करना है, याद रख के देखकर बिग नंबर को ही ऊपर लिखना है। तो यहाँ पर हम जब यूनिट टेंस और हंड्रेड में लिखेंगे, उस वक्त हम क्या करेंगे कि ये वाला जो नंबर है उसको ऊपर लिखेंगे, क्योंकि देखो ये 5 है ना, 5 बिग है और ये 3 स्मॉल है। तो पहले ये 5 वाला नंबर लिखेंगे, यूनिट में 7, टेंस में 1, हंड्रेड में 5। उसके बाद माइनस की साइन लगाकर यूनिट में 5, टेंस में 1 और हंड्रेड की प्लेस पर 3। पहले यूनिट का कॉलम सॉल्व करेंगे, 7 माइनस 5, 5 के बाद 6, 7, 2 यहां पर आ गया, 2। 1 माइनस 1, 0। 5 माइनस 3, 3 के बाद 5 तक गिनना है, 4, 5, 2। अब यहां पर 470, 340। तो देखो यहां पर 4 पहले है और 3 बाद में है, तो इट्स ओके। यूनिट में हमने लिखे 0, टेंस में हमने लिखे 7 और हंड्रेड्स में हमने लिखे 4। उसके बाद यूनिट्स में 0, टेंस में 4 और हंड्रेड्स की 3। 0 माइनस 0, 0। 7 माइनस 4, वी हैव टू काउंट आफ्टर 4 टिल 7, 4 के बाद 5, 6, 7, 3। 4 माइनस 3, 1। नेक्स्ट सम है हमारा, अब फिर से देखिए यहाँ पर ये 300 और यहाँ पर है 700। 700 बड़ा है, बिग है, लेकिन वो बाद में, लेकिन हमको क्या करना होगा, 7 को पहले लिखना है। सो जब हम लिखते हैं ना,
उस वक्त हम क्या करेंगे, 700 को ऊपर लिखेंगे और 300 को नीचे लिखेंगे। यूनिट में 0, टेंस में 0, हंड्रेड में 7, माइनस यूनिट्स में 0, टेंस में 0, हंड्रेड में 3। 0 में से 0 निकाल दिए 0, 0 में से 0 निकाल दिए 0, और 7 माइनस 3, 3 के बाद हम 7 तक काउंट करेंगे। वी हैव टू काउंट आफ्टर 3 टिल 7, 4, 5, 6। तो हमारा आंसर आ गया 300। इस तरह से हमने सब्ट्रैक्शन के सम्स करने हैं। हमेशा ये याद रखना है कि जो बिग नंबर होगा उसको ऊपर लिखना होता है और स्मॉल नंबर को नीचे लिखना होता है। पहले हम यूनिट का कॉलम सब्ट्रैक्ट करते हैं, बाद में टेंस और उसके बाद में 100, फिर 1000, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।